नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक-एक करके जान लेते हैं। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि टाटा एडवांस सिस्टम को लेकर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि टाटा एडवांस सिस्टम अब लॉकेट मार्टिन के साथ बातचीत कर रहा है ताकि लॉकेट मार्टिन के द्वारा बनाए गए सिकोर्सी S-76 हेलीकॉप्टर्स को भारत में बनाया जा सके। इसके लिए बातचीत शुरू हो चुकी है और आपको मैं बताना चाहूंगा कि लॉकेट मार्टिन भारतीय नौसेना के 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम में भी हिस्सा लेगा, जिसके तहत लॉकेट मार्टिन अपने S-76T हेलीकॉप्टर को पेश कर रहा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो S-76 हेलीकॉप्टर है ये डाइवर्स नेवल मिशन का वो भी बेहद चुनौतीपूर्ण वातावरण में, यानी कि दोस्तों एक बात यहाँ पर साफ हो जाती है कि जिस तरीके से टाटा एयरबस C295 का निर्माण कर रहे हैं जिसे कि भारत में बनाया जाएगा, ठीक ये भी एक ऐसा ही विकल्प होगा टाटा एडवांस सिस्टम का लॉकेट मार्टिन के साथ, जो कि दोस्तों मेक इन इंडिया प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ ये भारतीय नौसेना की जरूरतों को भी पूरा करेगा और एक्सपोर्ट के लिए भी भारत को बड़े ऑर्डर मिलेंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO ने अब अपनी शॉर्ट रेंज नेवल एंटीशिप मिसाइल के लिए इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों से बात करना शुरू कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि इसके लिए DRDO सिस्टम का डिजाइन भी मुहैया कराएगा और इसे पूर्व निर्धारित स्पेसिफिकेशन के आधार पर तैयार किया जाएगा और जो भी चुनी गई कंपनी होगी वो इसकी 16 जो यूनिटें हैं उन्हें शुरुआत में डिलीवर करेगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों HAL ने अपने कैट्स वॉरियर लॉइटिंग विंगमैन ड्रोन का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। इसे दोस्तों मैंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर रखा है, आप वहां पर देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये जो कैट्स वॉरियर लॉइटिंग विंगमैन ड्रोन है इन्हें ग्राउंड बेस से ऑपरेट किया जा रहा है और इन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट करते हुए दिखाया गया है। वीडियो से पता चलता है कि कैट्स वॉरियर ट्विन इंजन से पावर्ड होंगे और ये अपने साथ सेंसर्स पेलोड भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में देखा जा सकता है कि जो स्मार्ट एमुनेशन है वो इनके इंटरनल वेपन वे में लगाया गया है और ये नहीं, इसके अलावा इसे एयर टू एयर मोड और एयर टू ग्राउंड मोड से भी ऑपरेट किया जा सकता है। HAL के इस वीडियो में 4 कैट्स वॉरियर को एक स्ट्राइक पैकेज के साथ दिखाया गया है जो कि अपने तेजस मदरशिप एयरक्राफ्ट के साथ है और इसी तरीके से कई स्ट्राइक पैकेजेस की टीम होगी जो दुश्मनों पर वार करेगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड ने अब नामिका टैंक डिस्ट्रॉयर का सीरियल प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है और हाल ही में इसकी पहली यूनिट को भी रोल आउट किया गया है। नामिका कैरियर BMP-2 पर आधारित है और ये 12 नाग एंटी टैंक मिसाइल्स ले जा सकता है जिसमें से कि 6 रेडी टू फायर मोड में होंगी, यानी कि जिन्हें तुरंत लॉन्च किया जा सकता है और 6 इसके स्टोरेज में होंगी। इसके अलावा ये कई इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से लैस होगा जिसमें कि थर्मल इमेजर और लेजर रेंज फाइंडर भी है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दोस्तों अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि DRDO ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल यानी कि ITCM जिसे कि इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल कहा जाता है उसका टेस्ट किया था स्वदेशी मानिक इंजन के साथ, लेकिन लिफ्ट ऑफ के बाद ये विफल हो गया, जिसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि मानिक इंजन में टेक्निकल ग्लिच का होना। हालांकि DRDO ने कोई आधिकारिक तौर पर बयान जारी नहीं किया है, लेकिन ITCM यानी कि निर्भय प्रोग्राम में अभी कई तरीके की तकनीकी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जो कि जरूरी भी हो जाता है क्योंकि भारत स्वदेशी रूप से अपनी मिसाइलों को बना रहा है। ऐसे में विफलता का भी होना जरूरी हो जाता है ताकि एक बेहतर चीज सामने आए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ITCM यानी कि निर्भय का 9 बार परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन 5 परीक्षणों में ये मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रही और लॉन्च के कुछ मिनटों में कम से कम 3 बार विफल रही। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि AMCA प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दोस्तों अभी कुछ लेटेस्ट खबरें आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी 2023 की शुरुआत में AMCA प्रोग्राम के लिए अप्रूवल दे देगा और एक बार प्रोजेक्ट सेंक्शन हो जाने के बाद पहला AMCA का प्रोटोटाइप 2026 में रोल आउट होगा और इसकी पहली फ्लाइट 2027 के मध्य होगी। वहीं कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि AMCA मार्क 1 का निर्माण जो किया जा रहा है और इसमें जिस अमेरिकी F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा ये एक अच्छा विकल्प नहीं है। इस बात को दोस्तों हम भी कई बार बोल चुके हैं, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इस बात को मान रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि पहला कारण जो कि आप भी जानते हैं वो ये है कि अमेरिका कल को प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है कि वो सैंक्शन कब लगा दे, यानी कि ऐसे में इंजनों की जो सप्लाई है वो रुक सकती है या कार्यक्रम बंद हो सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों इस इंजन में सुपर क्रूजिंग और थ्रस्ट वेक्टरिंग की कमी है जो कि एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स के लिए बेहद जरूरी हो जाती है, यानी कि दोस्तों अमेरिकी इंजन का भरोसा नहीं किया जा सकता उसके तकनीकी कारणों की वजह से भी और दूसरा अमेरिका के संबंधों को देखते हुए भी। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि ट्विन इंजन डैक बेस्ड फाइटर जेट यानी कि TEDBF को लेकर आ रही है। कहा जा रहा है कि TEDBF में इंटरनल वेपन बे नहीं होगा, यानी कि आंतरिक हथियार बे नहीं होगा, लेकिन इसके अंडर बेली में 3 वेपन्स हार्ड पॉइंट्स होंगे जिसमें कि सेमी रिसिस्ट इसके फ्यूजलाज में
लगा हुआ होगा। इस तरीके से दोस्तों ये जो सेमी रिसीव स्टोर्स होंगे इसका लोअर रडार क्रॉस सेक्शन होगा, खासकर की पाइलॉन माउंटेड हथियारों की तुलना में, जिसका परिणाम यह होगा कि फ्लाइट के दौरान इसका ड्रैग भी कम होगा। इसके अलावा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस फाइटर जेट के फ्रंटल रडार क्रॉस पर रिडक्शन मेजर्स पर काम कर रही है, जिससे कि इस फाइटर जेट के रडार क्रॉस सेक्शन में और भी सुधार होगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ दोस्तों, भारत और फ्रांस के एयरफोर्स के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ सूर्यनगरी जोधपुर में शुरू हुआ है। फ्रांस के 220 सैनिकों की टुकड़ी, 4 राफेल फाइटर जेट और मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट के साथ जोधपुर पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल, सुखोई तेजस और जागुआर फाइटर जेट के अलावा LCH को इस युद्धाभ्यास में उतारा गया है। भारत और फ्रांस दोनों के एयरफोर्स के बीच ये युद्धाभ्यास 12 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान दोनों देशों के एयरफोर्स अपने अपने अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। साथ ही दोस्तों इस संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों के एयरफोर्स के जवान नई नई तकनीकों को परस्पर यानी कि आपस में साझा करेंगे, जिसमें कि युद्ध कौशल को भी साझा किया जाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, भारतीय रक्षा मंत्रालय दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बनकर उभरा है। स्टेटिस्टा की एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। रक्षा मंत्रालय के तहत करीबन 2.92 मिलियन यानी कि 29 लाख लोग काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्टिव सिविल पर्सनल, मिलिट्री रिजर्व फोर्स के सदस्य और सिविलियन स्टाफ इसमें शामिल है। 2022 में दुनिया में सबसे ज्यादा वर्कफोर्स वाले एम्प्लॉयर्स पर जारी स्टेटिस्टा के इंफोग्राफी के मुताबिक भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद दूसरा नंबर अमेरिकी रक्षा विभाग का है, जहां 29.1 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। आपको बता दें कि स्टेटिस्टा जर्मनी स्थित एक निजी संगठन है जो दुनिया भर के विभिन्न मुद्दों के बारे में डेटा और आंकड़ों को मुहैया कराता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स के रैंकिंग में सबसे ऊपर भारत का रक्षा मंत्रालय है। वहीं चीन के लिए कहा गया है कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार देती है। इसमें नागरिक पदों को शामिल नहीं किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में अमेरिकी रक्षा विभाग के बराबर संस्थान सेंट्रल मिलिट्री कमीशन 68 लाख लोगों को नौकरी मुहैया करा रहा है। हालांकि इस आंकड़े को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इस डेटा पर पर्याप्त रूप से यकीन नहीं किया जा सकता। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ दोस्तों, 2019 में BRO ने यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख में 256 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर अक्साई चीन तक भारतीय सेना की पहुंच को आसान बना दिया। इस रोड को दुर्बुक श्योक दौलतबेग ओल्टी रोड नाम दिया गया है, जो दुर्बुक से शुरू होकर श्योक गांव होते हुए दौलतबेग ओल्टी तक जाती है। इस सड़क ने चीन को इस कदर परेशान कर रखा है कि उसे उस सड़क पर ताक झांक करने के लिए गलवान तक आना पड़ा और फिर पूर्वी लद्दाख में तनाव और विवाद का दौर शुरू हुआ। इसी रोड के चलते भारतीय सेना ने अपनी तैनाती को उस इलाके में कम समय में बढ़ा दिया। लेकिन दोस्तों इस रोड की एक कड़ी अभी भी अधूरी थी, उसका काम युद्ध स्तर पर जारी था, लेकिन वो भी अब पूरा कर लिया गया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद उस ब्रिज पर जाकर उसे देश को समर्पित किया। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अक्साई चीन के दरवाजे तक भारतीय सेना के टैंक और भारी भरकम सैन्य साजो सामान आसानी से पहुंच सकेंगे। ये शेख सेतु क्लास 70 है, यानी कि अब इस सेतु से 70 टन वजनी टैंक और अन्य भारी भरकम सैन्य साजो सामान आसानी से दौलतबेग ओल्टी तक पहुंच सकते हैं। इस ब्रिज की लंबाई 120 मीटर है। इससे पहले इस जगह में श्योक नदी को पार करने के लिए हल्के क्लास का बेली ब्रिज था, जिसे एक बारी में एक ही सैन्य ट्रक निकल सकता था, लेकिन अब धड़ल्ले से सेना के ट्रक इस पे मूव कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ दोस्तों, तमिलनाडु में महेंद्रगिरी में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स के हाई एल्टीट्यूड टेस्ट केंद्र में CE-20 इंजन का उड़ान संबंधी परीक्षण किया गया है। ये इसरो का सबसे भारी रॉकेट इंजन है। इसरो अब अपने LVM-3 के अगले फेज के कमर्शियल मिशन से बस एक कदम दूर है। इसरो ने कहा कि ये इंजन LVM-3 मिशन के लिए निर्धारित किया गया है, जिसके तहत वनवे इंडिया 1 के अगले 36 सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित किया जाएगा। वहीं इसरो के ट्वीट में कहा गया है कि CE-20 इंजन का उड़ान परीक्षण महेंद्रगिरी में IPRC की हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में किया गया। इंजन को लॉन्च व्हीकल Mark 3 यानी कि LVM-3 मिशन के लिए सौंपा गया है, जिसे अगले 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किए जाने के लिए तैयार किया गया है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।